हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूँ डायनापार क्यूपीएस का फुल रिव्यू। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको खास करके जॉइंट्स प्रॉब्लम, अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफ़ी प्रॉब्लम है, या इनके लंबे टाइम से इनको पैरों में सूजन या स्वेलिंग हो या पेन से काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं, और काफ़ी मेडिसिन वो लोग यूज़ कर चुके हैं लाइक डैट। जैसे जेल आती है मार्केट में, लिलीमेंट आते हैं, ऑयल आते हैं, ये सब यूज़ कर चुके हैं, पर इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है पेन से। तो वो लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके मैं यूजेस बताने वाला हूँ जो ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है। आप उस कंडीशन में इसको यूज़ करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसका एक्सलेंट जो कहा गया है, इसका जो एक्सलेंट बेनिफिट है, एक्सलेंट इसका रिस्पॉन्स है देखा गया है। लीजिए मैं बात करता हूँ आज का जो हमारा डायनापार QPS है, जो इसका इंग्रेडिएंट है डिक्लोफेनाक, डाइथैलामाइन एंड अब्सोल्यूट अल्कोहल है, टॉपिकल सॉल्यूशन है इसमें। इसका इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। आप इसकी कुछ पैकिंग देखेंगे तो इसकी पैकिंग लिखा भी हुआ है, और देखिए अर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डैट मीन्स ये जो मेडिसन है, ये जो स्प्रे है, ये पर्टिकुलर अर्थराइटिक वाले पेशेंट के लिए ही बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे अर्थराइटिस क्या है, कैसे क्या, अब इसको डिटेल में मैं इतना नहीं बता सकता आपको, हाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा अर्थराइटिस की वजह से और क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को जॉइंट्स पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहे हैं, उस मसल्स पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या समटाइम्स ऐसे होता है स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग स्पोर्ट्स के दौरान इसको कहीं चोट लग रहा है, या जॉइंट्स में मोच आ रही है, पैरों में मोच आ गई, कहीं शोल्डर में चोट लगी, उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके जो है इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करता हूँ इसके जो बेनिफिट हैं, ये आपको जो रिलीफ फ्रॉम पेन, आपको पेन से रिलीफ देता है काफ़ी। ये जो आपके स्वेलिंग एंड इंफ्लामेशन, जो स्वेलिंग एंड इंफ्लामेशन ड्यू टू अर्थराइटिस, डैट मीन्स जो आप अर्थराइटिस की वजह से आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इसे आपको काफ़ी रिलीफ देगा, काफ़ी आपको आराम देगा। जो लो बैक पेन होता है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है इसको रिलीफ देने में। नेक की पेन हो इसमें भी काफ़ी यूजफुल है। शोल्डर पेन हो इसमें भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये सब तो हो गया इसको यूज़ करने की जो कंडीशन, जिस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि कुछ तो हमें इसके पिक्चर या इसकी पैकिंग देखने से ही अंदाज़ा लग जाता है। जैसे ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स का जो बीच में गैप है, उस कंडीशन जैसे कि घुटनों में दर्द होती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा, जो कि अभी सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों के टाइम में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खून का दौरा या मसल्स ऐसे ज़्यादा नहीं एक्टिव रहते, सो डैट उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आने वाली है जिनको अगर थोड़ी बहुत अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो जैसे जॉइंट्स का जो बीच का जो पेन है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस पर स्प्रे को यूज़ करने की जो प्रोसेस है, आप नॉर्मली उस जगह पर इसको स्प्रे कर दीजिए जिस जगह पर आपको पेन हो रहा है, जैसे घुटनों में, लाइक घुटनों पर हो रहा है, आप घुटनों पर स्प्रे कर दीजिए। हाँ, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे ये जगह साफ़ होनी चाहिए, साफ़ हो, आप इस पर कोई ये ना हो आपने इस पर किसी को और कोई ऑयल यूज़ किया हो, तो क्रीम यूज़ की हो जिसके ऊपर से आप स्प्रे करें, ऐसा कुछ ना करें। और हाँ, जैसे समटाइम्स किसी को इंजरीज हो जाती हैं, समटाइम्स अभी देखा गया किसी को दांत खाज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऐसे ना हो इनको घुटनों के ऊपर दाद हुआ हो, आप उस जगह इसको स्प्रे करेंगे तो जलन होगा और आपको इचिंग या रेडनेस ऐसा कुछ होने के बहुत चांसेस बन जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके स्किन पर कहीं कट है या कुछ ऐसा कुछ है, कट हो या दांत खाज खुजली हो, उस जगह इसको स्प्रे नहीं कर सकते। बाकी आप इसको शोल्डर पर कहीं भी आपको पेन हो रही है, नॉर्मली इसको स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद अगर आपको हल्की सी मसाज देनी है तो आप दे सकते हैं नॉर्मली मसाज, हालांकि मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती, स्प्रे करने से ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, तो सो आपको ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देगा। ये तो हो गए इसके यूजेस और साइड इफेक्ट। रह गए साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत माइनर से हैं, माइनर का इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है, क्योंकि ये स्किन के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है तो स्किन के अंदर इतना, हाँ किसी किसी को हो सकता है किसी को एलर्जी हो, पर स्प्रे से बहुत कम लोगों को ही एलर्जी होती है, 100 में से एक आधे पेशेंट ही होते हैं जिनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ऐसा तो अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। आपका थोड़ा सा मैं इसकी पैकिंग का रिव्यू कर दूँ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, सिंपल सा, कोई भी अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन भी है तो ये भी पिक्चर्स देख के उसको समझ में आ जाएगा। जैसे बैक है, नेक है, शोल्डर है और कैनी है, ये सब जो भी है, जहाँ भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आपको हो रही है इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
और ये आपके सामने लिखा हो गया 4 स्प्रे पर यूज़, मतलब एक जगह आप 3 से 4 बार स्प्रे कर देंगे इतना इनफ है। ये ना हो आप बार बार करके स्प्रे करें इसको, 5-10 बार ही कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस 3 से 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार ही करें, आपको इतने में ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और इसकी मैं बात करूँ एमआरपी की, एमआरपी इसका थोड़ा सा कॉस्टली है। ये देखिए आज के टाइम में जो लेटेस्ट है 236 रुपीज़ का है इसका जो एमआरपी है। थोड़ा कॉस्टली आता है, और जो स्प्रे आते हैं, जो ऑयलमेंट जो भी यूज़ करते हैं आप, इससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। पर नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, पर आपको रिस्पॉन्स 101% आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इसको यूज़ किया हुआ है। आप जस्ट इसको यूज़ करके देखिए, इसकी पैकिंग इस तरह है। आपको उसके ज़्यादा, और अगर आपको रीड करना होगा, इसके अंदर स्लिप होती है, इस पर आपको प्रॉपरली गाइड किया होता है कैसे इसको यूज़ करना है कैसे नहीं। अभी तो इसको मैंने ओपन नहीं किया, नहीं तो आपको मैं स्प्रे करके दिखा देता। इसको आप रीड कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन हो आप इसको ज़रूर रीड कर लीजिए, थोड़ा बहुत इसमें काफ़ी कुछ हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा रिव्यू था डायनापार QPS का, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो हमारे चैनल पर नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारे जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है इसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले जाए। और हाँ, अगर आपके माइंड में कुछ इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करिए, आपको जो भी होगा मैं अपनी तरफ से जो भी एडवाइस होगी आपको दूंगा, आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।